नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट एंड टैरो। तो इस सेवंथ एपिसोड में हम आज बात करेंगे ओशो ज़ेन टैरो के सेवंथ कार्ड के बारे में, जो कि है द कार्ड ऑफ द लवर्स। उससे पहले वी विल टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट द राइडर वेट टैरो कार्ड, जो कि उसमें भी जो कार्ड है वो है द कार्ड ऑफ द लवर्स। तो ओशो ज़ेन टैरो में जाने से पहले सबसे पहले हम बात कर लें, थोड़ा बहुत समझ लें कि राइडर वेट टैरो का जो कार्ड है द कार्ड ऑफ द लवर्स, उसका क्या मतलब है। तो द कार्ड ऑफ द लवर्स जब हम देखते हैं हमारी रीडिंग में जब आता है, तो उसका ये मतलब है कि दैट देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑपोजिट एनर्जीज कमिंग इनटू योर लाइफ। मतलब कि जो ऑपोजिट एनर्जी है, जो सेक्सुअलिटी की जो ऑपोजिट एनर्जी है, वो आपकी लाइफ में आ रही है। अगर आप मेल हैं तो वो फीमेल एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, अगर आप फीमेल हैं तो मेल एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। सो दिस कार्ड स्टैंड फॉर लव, रिलेशनशिप, हार्मनी, सेक्सुअलिटी, फिजिकैलिटी, इमोशंस, ये सब कुछ कहीं ना कहीं पैकेज है इस सब चीज़ों का। और जब हम इस कार्ड को देखते हैं, ऊपर से देखते हैं कि लाइक द एंजल इज ब्लेसिंग दीज टू कपल्स। जो एंजल जो ब्लेस कर रहा है वो जो कपल को, उसका यही मतलब है कि कहीं ना कहीं सर्कमस्टांसिस और सिचुएशंस दे आर वेरी फेवरेबल फॉर यू टू बी टुगेदर, टू बी विद समवन। इट गिव्स यू अ फ्लेवर ऑफ यू नो लाइक द लव इज इन द एयर and this is a beautiful time to be in love. तो जो कार्ड का, जो अगर हम राइडर वेट का अगर ऊपर ऊपर का मीनिंग देखें, तो इसका सिंपली मीनिंग है कि गेटिंग इन टच विद द अपोजिट सेक्शुअल पार्टनर और विद द अपोजिट एनर्जी। तो ये थी बात राइडर वेट टैरो की। अब हम बात करेंगे ओशो ज़ेन टैरो की, वो भी कार्ड ऑफ लवर्स ही है। तो सातवां कार्ड ओशो ज़ेन टैरो का कार्ड ऑफ लवर्स तो है, लेकिन जमीन आसमान का कहीं ना कहीं फर्क हो जाता है इंटरप्रिटेशन में। राइडर वेट की इंटरप्रिटेशन इज टोटली डिफरेंट एंड ओशो ज़ेन टैरो की इंटरप्रिटेशन इज टोटली डिफरेंट। राइडर वेट टैरो जो है बात कर रहा है बहुत फिजिकल लेवल पे, और जो ओशो ज़ेन टैरो है वो एक बहुत ही एक डीप मैसेज की बात कर रहा है, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ओशो ज़ेन टैरो जो है, ऑफकोर्स ओशो की टीचिंग से इन्फ्लुएंस्ड है, तो ओशो का ही मैसेज इसमें जो है आपको मिलेगा। तो ओशो का मैसेज जब वो बात करते हैं द कार्ड ऑफ द लवर्स के बारे में, वो ये कहते हैं कि दैट लव इज अ ब्यूटिफुल वे एंड दिस इज अ वे थ्रू विच दैट इट्स अ कनेक्शन ऑफ द अर्थ बट इट कैन फ्लाई हाई इन द स्काई। एक ऐसा कनेक्शन जो कि अर्थ का कनेक्शन है, एक ऐसा कनेक्शन जिसको जो है, जिससे आप अर्थ से कनेक्ट हुए हैं, लेकिन वो कनेक्शन जो है उसकी इतनी पॉसिबिलिटी है, उसकी इतनी गहराई है कि आप आकाश छू सकते हैं, कि आप आकाश में उड़ सकते हैं, कि उसमें इतनी गहराई आ सकती है कि आपको ज़मीन पर रेखने की ज़रूरत नहीं है। दैट यू डोंट हैव टू जस्ट लिव द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, यू कैन लिव द मैजिकल एस्पेक्ट, यू कैन लिव द हायर डायमेंशन ऑफ लव। अगर हम बात करें मोस्ट ऑफ अस, लव इज वेरी फिजिकल। लव जो है बहुत ही एक फिजिकल लेवल पे हम कहीं ना कहीं जीते हैं, लेकिन लव की अपने आप में एक बहुत गहरी डायमेंशन है। अगर आप उसको फॉलो करें, अगर आप उसको फिजिकैलिटी तक ही ना रुकें, देन यू कैन सी there are like lots of miracles which can happen out of love. The whole secret is not to stuck with the physicality. The whole secret is to go beyond it, to go to the next level and to the next level and to the next level. Finally, when you can see that your love becomes a fragrance, ki aapka jo prem hai wo physicality tak na simit rahe, wo jo hai sab jagah pe phail jaye, wo pure sansar mein jo hai आपका जो है व्याप्त हो जाए। दिस इज वॉट द पोटेंशियल ऑफ लव इज। इस प्रेम को या तो आप फिजिकल रहने दे सकते हैं और एक फिजिकल लेवल पे ही जी सकते हैं, या फिर अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो यही प्रेम जो है मीरा का प्रेम हो सकता है, बुद्ध का ध्यान हो सकता है, शिवा का नटराज हो सकता है, एंड दिस इज ऑल द फ्लावरिंग ऑफ लव। तो ये जितनी भी ये जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, ये वो स्टेट है जहाँ पे लव जो है फ्लावर कर गया है, जहाँ पे लव जो है ब्लॉसम कर गया है। और यही स्टेज आपके साथ भी है, यही स्टेज जो है आपको अपने अपने प्रेम में लेके आनी है। और वो कैसे आएगी, जब आप अपने फिजिकैलिटी से थोड़ा सा जो है डिस्टेंस बनाना शुरू करेंगे, कि उस प्रेम को जो है फिजिकल तक ही सीमित नहीं रखेंगे, उसके आगे भी जाएंगे, उसकी गहराई में जाएंगे। और गहराई में जाने से आप ये देखेंगे कि जितनी भी जो ग्रेस और जो ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स की, दैट स्टार्ट कमिंग टूवर्ड्स यू। वो आप उन सब ब्लेसिंग्स के साथ, उस क्रेज के साथ जुड़ना शुरू होते हैं। जब हम प्रेम की बात करते हैं, एक तो प्रेम है जो कि एक फिजिकल लेवल पे होता है, लेकिन इसी प्रेम को अगर गहराई दी जाए तो यही प्रेम जो है
गुरु के साथ हो सकता है, इट कैन बिकम अ डिवोशन, वही भक्ति बन सकता है। और भक्ति अपने आप में जो है एक प्रेम का जो है एक शुद्ध रूप है। तो जब प्रेम शुरू होता है तो वहाँ पे जो है सिंपली इट इज ऑल बेस्ड ऑन ट्रांसेक्शन, एक तरह की एक ट्रांसेक्शन बेस के ऊपर जो है हमारा प्रेम शुरू होता है कि जो मैं कि ये मैं दे रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ जो है वापसी में चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आपके प्रेम की गहराई बढ़ती है, अगर आप अलाउ करते हैं, अगर आप फिजिकैलिटी तक ही सीमित नहीं रह जाते, अगर आप सेक्सुअलिटी तक ही सीमित नहीं रह जाते, तब आपकी प्रेम की गहराई बढ़ती है और तब लेने की इतनी बात नहीं रह जाती। Then it's all about giving. You feel like giving more and more. When you are actually in love, you want to give. Receiving का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वो अलग बात है, मिलता बहुत कुछ है, बिन मांगे मिलता है, आपको मांगना नहीं पड़ता। प्रेम के अंदर प्रेम का जो अगर हम सीक्रेट देखें, अगर प्रेम का जो है स्वभाव देखें, द रियल वे ऑफ बींग इन लव इज टू गिव, एंड वेन यू गिव यू स्टार्ट गेटिंग बैक विदाउट क्वेश्चन, विदाउट आस्किंग। ऐसे बहुत सारे लोगों का मैं टैरो रीडिंग करता हूँ तो वो मुझसे अक्सर ये बात बोलते हैं कि उनका जो पार्टनर है उनको प्रेम नहीं करता। उनकी शिकायतें यही होती हैं कि उनको जो है जीवन में प्रेम नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि मैं प्रेम नहीं दे रहा। एंड इट्स ऑल अबाउट गिविंग। द रियल वे ऑफ गेटिंग द लव इन योर लाइफ इज व्हेन यू स्टार्ट गिविंग। और जो गिविंग है वो गिविंग कुछ ऐसा है कि यू आर नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग, यू आर नॉट रियली पुटिंग अ कंडीशन टू इट। और वो ही कहीं ना कहीं सीक्रेट है प्रेम का, कि आपने बिना कुछ जो है इंटेंशन के, बिना अपनी कंडीशन रखे हुए आपने अगर कुछ दिया, यू विल सी दैट समथिंग ब्यूटिफुल विल कम आउट ऑफ इट। कोई राह चलते जो है किसी को आपने जो है हेल्प कर दी, कुछ थोड़ा सा प्रेम के दो शब्द बोल दिए, अब इसके अंदर कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी, यू वर नॉट रियली एक्सपेक्टिंग एनीथिंग बैक, बट आपके जो दिल को जो कुछ मिल गया ना उस स्थिति के अंदर उस वक्त, इट इज इनवैल्यूएबल एंड दैट गिव्स यू अ ग्लिम्स ऑफ लिटिल बिट ऑफ द लव व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। और जिस दिन आप इस सीक्रेट को समझना शुरू कर देते हैं, यू विल नॉट आस्क फॉर लव फ्रॉम एनीवन, यू विल चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, यू विल गिव मोर एंड मोर व्हाटएवर इज पॉसिबल फ्रॉम योर साइड, एंड यू विल नॉट आस्क फॉर लव फ्रॉम द पीपल। इन फैक्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज यू आर गोइंग टू शेयर योर लव विद देम, एंड विद शेयरिंग the real love starts happening in you. That is what the Osho Zen Tarot, the card of the lovers, is talking about. The card which is not just talking about the physicality, which is talking about the higher dimension which you can reach in love. Osho कहते हैं जब हम physical love की बात करते हैं तो वो एक ऐसा love है जो कि जिसको हम sexuality कहते हैं, वो कुछ ऐसा प्रेम है कि जो कि जिसका कोई end नहीं है। It's a thirst which never get quenched. वो ऐसी प्यास है जो कभी बुझती नहीं है, आप जितना भी कुएं में पानी डालते हैं वो भरता नहीं है। सेक्सुअलिटी का प्रेम कुछ ऐसा प्रेम है। तो ओनली विद विटनेसिंग एंड मेडिटेशन यू स्टार्ट कमिंग टू अ स्टेज वेयर यू स्टार्ट सीइंग दैट दिस विल नेवर गेट फिल्ड। जब आपकी लाइफ में एक मैच्योरिटी और एक साक्षी भाव आपके भीतर आना शुरू होता है, तो आपके अंदर एक ऐसी चीज आती है कि व्हेन यू स्टार्ट सीइंग कि ये प्यास ऐसी है जो कभी नहीं बुझेगी, कि फिजिकल लव की जो प्यास है वो ऐसी है जो कभी भी नहीं बुझेगी। द ओनली वे इज ऑफ ट्रांसेंडिंग, द ओनली वे ऑफ गोइंग बियॉन्ड इट इज थ्रू मेडिटेशन। जब आप ध्यान में, जब आपकी जो है स्थिरता आनी शुरू होती है, जब आपकी ध्यान में गहराई आनी शुरू होती है, दैट इज द स्टेज व्हेन यू स्टार्ट राइजिंग इन लव। अब तक जो था इट वॉज फॉलिंग इन लव, बट नाउ what starts happening is you start rising in love, and that is the stage when very naturally, very quietly and in a very calm way the sexuality starts going away from your life, and a richer form of sexuality, the sexuality of yin and yang, the orgasm which is inside of you, that starts happening. आपको ये अनुभव होने लग जाए कि दैट यू आर सो हैप्पी बीइंग विद योर ओन सेल्फ, देन यू विल सी दैट यू विल बी एबल टू शेयर दैट लव, एंड विद दैट शेयरिंग ऑफ लव यू विल आल्सो बी एबल टू कनेक्ट विद द राइट पीपल। क्योंकि अब तक जिन लोगों के साथ आप जुड़ रहे थे, ये वो लोग थे जो आपसे कुछ मांग रहे थे और आप उनसे कुछ मांग रहे थे, लेकिन अब जो है चीज़ें बदल गई, अब आप जो है कुछ देना चाहते हो, अब आप कुछ शेयर करना चाहते हो, और अब आप जिन लोगों के साथ कनेक्ट करोगे
दीज पीपल विल बी डिफरेंट काइंड, ये डिफरेंट किस्म के लोग होंगे जिन ये इन लोगों में कैपेसिटी होगी एक्सेप्ट करने की और शेयर करने की. सो दैट इज गोइंग अहेड, दैट इज मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लव. तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे में मैच्योरिटी आती है, हम फिजिकल लव से ज़्यादा जो है जो हायर डायमेंशन ऑफ लव है उसके साथ होना शुरू हो जाते हैं, उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, उसको जीना शुरू कर देते हैं. उस मैच्योरिटी के साथ हमारे अंदर जो है एक चीज़ हमें क्लियर होनी शुरू हो जाती है कि जो पार्टनर है आपकी लाइफ में वो पार्टनर जो है एक मिरर की तरह आपके लिए काम करना शुरू कर देता है. वो आपको जो है आपकी कमियां बताना शुरू कर देता है, आपकी अच्छाइयां बताना शुरू कर देता है. इट स्टार्ट्स बिकमिंग लाइक अ मिरर एंड और वो एक पहचान है कि आपके अंदर एक गहराई आ रही है, कि आपके अंदर एक मैच्योरिटी आ रही है. और अगर हम बात करें स्पिरिचुअल जर्नी की तो पूरी दुनिया जो है कहीं ना कहीं मिरर हो जाती है आपके. अगर बाहर से जो है आपको जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं आपके बारे में कुछ ना कुछ खबर देती हैं. अगर बाहर से कुछ अच्छाइयाँ आ रही हैं, बाहर से कुछ जो है अच्छी चीज़ें हो रही हैं, वो भी आपके बारे में खबर दे रही हैं. क्योंकि धीरे 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 आपके और संसार के बीच में ज़्यादा फर्क नहीं रह जाता. यू स्टार्ट मर्जिंग टुगेदर, आप एक होने लग जाते हैं. आप जो दुनिया अपने लिए क्रिएट करते हैं वो दुनिया आपके आसपास क्रिएट हो जाती है. तो ओशो ने तीन तल पे जो है प्रेम की बात करी है कि प्रेम के तीन तल हैं. जो पहला है वो है सेक्सुअलिटी, फिजिकलिटी. जो सेकंड लेवल है वो है साइकोलॉजिकल लेवल. अब प्रेम का जो तल है और गहरा हो गया, अब वो मन की गहराइयों में चला गया. अब जो फिजिकलिटी है वो बहुत कम हो गई है और जो मन का जो तल है, जो मन के लेवल पे जो कनेक्शन है वो गहरा हो गया. फिर एक तीसरा लेवल है जिसकी ओशो ने बात करी है, और तीसरा लेवल है लव फॉर द गुरु, लव फॉर द मास्टर, लव फॉर द गॉड, जिसको हम डिवोशन कहते हैं. और ये हाईएस्ट स्टेज है लव का. तो जो प्रेम जो है सेक्सुअलिटी से शुरू हुआ वही प्रेम जो है उसके अंदर कैपेसिटी है डिवोशन तक जाने का. कि वो जो कमल है, वो जो कीचड़ में खिला है, कीचड़ जो है वो अपने आप में सेक्सुअलिटी का सिंबल है. उसके बाद जो वो जो फूल बन गया उसको हम एक मन के तल कह सकते हैं, और जो फ्रेग्रेंस उससे बाहर आई उसको हम डिवोशन कह सकते हैं. तो हम सभी के अंदर जो है एक ये कैपेसिटी है, ये पोटेंशियल है उस प्रेम को जीने की, उस गहराई को अनुभव करने की. और बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ कीचड़ तक ही रुक जाते हैं. जब मैं कीचड़ बोल रहा हूँ तो इसके अंदर कोई नेगेटिव नहीं मैं इसके अंदर यूज़ कर रहा, क्योंकि कीचड़ के बिना जो है कमल भी नहीं होगा, और कमल नहीं होगा तो फ्रेग्रेंस भी नहीं होगी. तो कीचड़ का एक बहुत ज़रूरी कहीं ना कहीं रोल है. सो बात लेकिन सिर्फ कीचड़ तक ही नहीं रह जानी चाहिए, कीचड़ से बात जो है आगे बढ़नी चाहिए. बात इस लेवल तक जानी चाहिए कि इट शुड बिकम फ्रेग्रेंस. ऐसा प्रेम सिर्फ फिजिकलिटी तक ना सीमित रह जाए, वो जो है इट शुड बिकम अ फ्रेग्रेंस. वो एक महके, वो एक महक बन जाए और वो पूरी दुनिया में महक सके. तो जैसे जैसे आप अवेयर होते हैं, जैसे जैसे आप मेडिटेटिव होते हैं, जैसे जैसे आप अपनी गहराई में जाते हैं, आप देखेंगे कि फिजिकलिटी जो है वो धीरे 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 जो है आपकी लाइफ से जाने लगेगी. एंड यू विल बी लिविंग द मोर डीपर लेवल ऑफ लव. आप प्रेम की गहराई को जीने लगेंगे और आपकी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म होने लगेगी. और दैट इज़ द टाइम व्हेन द रियल लव स्टार्ट्स हैपनिंग इन योर लाइफ. तो उस प्रेम को फॉलो करते 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 एक ऐसी से जाती है व्हेन योर लव बिकम कंपैशन, एम्पैथी. कि पहली बार आप जो है आपके लिए प्रेम आता है दूसरों के लिए, और वो लेकिन आया भी कैसे, वो आया ऐसे क्योंकि आपने अपने आप को भर लिया. लव हैपन्स ओनली इन द स्टेट ऑफ ओवरफ्लो, कंपैशन हैपन्स ओनली इन द स्टेट ऑफ ओवरफ्लो. जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं, जब आप किसी के लिए प्रेम दे पाते हैं, वो दे इसलिए पाते हैं क्योंकि आपके अंदर इतना भरा हुआ है. दैट यू हैव सो मच टू गिव, दैट यू हैव सो मच टू शेयर, एंड दैट इज द लाइफ ऑफ अ सीकर. That is the life which everyone should aim for. When you love should not be limited to yourself, that you should be able to share that love with the others too. So sex is the seed, love is the flower, and compassion is the fragrance. Buddha ek bahut sundar baat kehte hain. Buddha kehte hain ki love plus meditation is equal to compassion. Jo compassion hai, jo karuna hai aapke jeevan mein, jab aapka prem jo hai dhyan ke sath judta hai. Sirf prem ho to bhi adhura hai, सिर्फ ध्यान हो वो भी अधूरा है. लेकिन जब प्रेम और ध्यान जब आपस में मिलते हैं
देन इट स्टार्ट्स बिकमिंग रियल लव, देन इट स्टार्ट्स बिकमिंग कंपैशन. तब वो बुद्ध की करुणा बनती है, और करुणा इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव, कंपैशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव. इस कार्ड के थ्रू मैं आप लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मेक श्योर योर लव इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू योर डिजायर, कि आप जो है अपने लव को जो है लिमिट ना रखें डिजायर तक, अपनी नीड तक. अपने लव को जो है गहराई दीजिए. डू नॉट फॉल इन लव बट राइज इन लव. लिव द लव ऑफ द एम्परर नॉट द लव ऑफ अ बेगर. एम्परर जो कि देना चाहता है, बेगर जो रिसीव करना चाहता है. सो यू हैव अ चॉइस टू लिव दैट हायर डायमेंशन इफ यू लाइक. सो दिस वॉज द इंटरप्रिटेशन फॉर यू फॉर द कार्ड ऑफ लवर्स. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई, और इस रीडिंग के साथ मैं आप सभी लोगों को यही विश करता हूँ कि आपके जीवन में भी जो प्रेम की गहराई आए, और आपका प्रेम जो है फिजिकैलिटी में ही ना अटके, वो फूल बने और वो महके. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. नमस्ते.